और सबसे बड़ा दुखद समाचार जो अपनी माँ को हम देख कर गए थे और माँ का इतना प्यार था, कहती थी बाबू कहीं भाग जा, रोज छापा पड़े पुलिस के, तो हम माँ मर गई, हम उसके क्रियाकर्म में भी सम्मिलित नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। तो कांग्रेस का न लोकतंत्र में विश्वास है, न संविधान में विश्वास है, न लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास है। कांग्रेस ये जो राहुल गांधी संविधान बचाओ बचाओ की प्रतलिक के लिए घूम रहे हैं, इनको अपनी दादी का किया जो कर्म है, जो उठाया गया कदम है इमरजेंसी में, जो इमरजेंसी में तो प्रेस पर भी की जो आजादी थी वो भी प्रतिबंधित थी, बहुत से संपादकों को बंद किया गया था। आज 25 जून है और आज ही के दिन देश में यानी कि इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी और तमाम लोकतांत्रिक सेनानी जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। उसी समय जेल में बंद थे शीतल पांडे जी, सहजनवा से पूर्व विधायक, छात्र राजनीति में थे और लंबे समय तक जेल में बंद थे। आज भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मना रही है और ये वहीं से निकल के अपने आवास एक कार्यक्रम में जा रहे थे, हमसे मुलाकात हुई। बाबा किस प्रकार से इमरजेंसी लगी थी और उस दौर की क्या यादें हैं? जिसका 74 में भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जेपी मूवमेंट चल रहा था, जिसमें हम लोग भी उसके में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जब 25 जून को जयप्रकाश नारायण की एक सभा हुई दिल्ली में, और बहुत बड़ी विशाल सभा हुई, बहुत बड़ी विशाल सभा हुई, इंदिरा जी घबरा करके उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली, उनकी कठपुतली राष्ट्रपति थे, उन्होंने जबकि संविधान संशोधन में नियम है कि 2/3 बहुमत चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति चाहिए, तब संविधान में संशोधन करके उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा एक टेम्परेरी आदेश करा करके और घोषित करवा दिया है। और संविधान संशोधन में उन्होंने 48वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन करके अपने राजनीतिक कद को अपने को एकाधिकार लीडर बनाने के लिए उन्होंने एक काम किया और संशोधन किया, जो संशोधन भी अवैध था, नियम के अनुसार उचित नहीं था। और उसके बाद इमरजेंसी आई। इमरजेंसी में जितने राजनीतिक दल थे, जितने सामाजिक संगठन जैसे RSS CPI और CPM के लोग भी हैं, इस सभी दल राजनीतिक दल कह रहा हूँ, सभी कुछ शिक्षक, कुछ वकील, कुछ डॉक्टर, ये सारे लोग इमरजेंसी में बंद हो गए और हम लोग इमरजेंसी लगते ही फरार हो गए। एक दो महीने के बाद हम लोग पर्चा बांटते 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 अंत में जहाँ जाते थे रिश्तेदार और घर वाले भी परेशान हो गए कि आप लोग यहाँ नहीं आइए, पुलिस छापा डालती है। हम लोगों ने तय किया कि अब हम बाहर फरार नहीं रहेंगे और कचहरी में इमरजेंसी के खिलाफ जो पर्चा बना था उस पर्चे को वितरित करते हुए हम लोग गिरफ्तार हुए थे और मेरे ऊपर मिसा लगा था। मिसा में कितने दिनों तक आप जेल में थे? हम मिसा में 18 महीना करीब, 18 महीने। उसमें पता चलता है कि उसी समय आपकी शादी भी हुई थी लगभग एक महीना पहले। हाँ, 23 मई को मेरी शादी हुई थी, 26 जून को इमरजेंसी लगी थी, 25 जून को, और मैं हमारा गौना 2 साल के लिए टाल दिया गया था। और सबसे बड़ा दुखद समाचार जो अपनी माँ को हम देख कर गए थे और माँ का इतना प्यार था, कहती थी बाबू कहीं भाग जा, रोज छापा पड़े पुलिस के, तो हम माँ मर गई, हम उसके क्रियाकर्म में भी सम्मिलित नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। मतलब लोकतंत्र और संविधान के को दरकिनार करके जो भी निर्णय लिए जाते थे सरकार,
कांग्रेस का न लोकतंत्र में विश्वास है, न संविधान में विश्वास है, न लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास है। कांग्रेस ये जो राहुल गांधी संविधान बचाओ बचाओ की प्रतलिख के लिए घूम रहे हैं, इनको अपनी दादी का किया जो कर्म है, जो उठाया गया कदम है इमरजेंसी में, जो इमरजेंसी में तो प्रेस पर भी की जो आजादी थी वो भी प्रतिबंधित थी, बहुत से संपादकों को बंद किया गया था, वकीलों को किया गया, डॉक्टरों को किया गया, सामाजिक संगठनों को किया गया, राजनीतिक दलों के लोगों को किया गया, एक पूरा देश एक कारागार बन गया था। आप लोग की फिर रिहाई कैसे हुई, किस वक्त हुई रिहाई? जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो उसके बीच में वकील और कोर्ट कचहरी के माध्यम से कोई प्रयास नहीं किया? अनुच्छेद 226 के तहत जो मिसा में बंद रहते हैं लोग, कोर्ट भी नहीं जा सकते। मिसा के तहत आप जेल? हाँ, मिसा के। उसके बाद आपकी रिहाई के बाद से किस तरह का माहौल बना देश में? अब रिहाई के बाद माहौल तो ये बना कि इमरजेंसी के दौरान बड़ा अत्याचार हुआ प्रशासनिक अफसरों द्वारा, और नसबंदी के नाम पर 16 साल के लड़के और 80 साल के बुढ़े तक की भी नसबंदी कर दी गई। ये नसबंदी किसके सहारे थे? कांग्रेस की, इंदिरा गांधी के सहारे। उसके बाद घर लोग घरों को छोड़ करके भाग गए, कभी बंदे किनारे रहते थे, कभी खेत में रहते थे, कहीं दूर भाग जाते थे घर छोड़ करके। हम ये कह रहे हैं नसबंदी परिवार नियोजन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो गलत था। परिवार नियोजन करिए नसबंदी वो कार्यक्रम कोई बुरा नहीं था, लेकिन उसका जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, जिस तरह से आपने उसका उपयोग किया वो गलत था। आपको क्या लगता है कि आज कांग्रेस संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे, संसद भवन में संविधान लेके राहुल गांधी बैठे थे कल, ये स्वांग है? कांग्रेस के दल में आंतरिक लोकतंत्र खुद नहीं है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वह केवल एकाधिकार पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। तो कांग्रेस के अंदर खुद लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो उनको वो स्वांग रच रहे हैं कि संविधान बचा रहे हैं, जिस संविधान को उनकी दादी ने हमारे व्यक्तिगत अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार सबको छीन लिया था, वो कहे कि हम संविधान बचा रहे हैं, ये तो स्वांग है। आपके साथ कितने और लोग जेल में थे? हमारे साथ तो भाई देखिए इस जिले में सैकड़ों लोग राजनीतिक दलों के लोग थे, लेकिन हमारे साथ जो विद्यार्थी नेताओं में रविंद्र सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय गोरखपुर साहब दोनों के अध्यक्ष रहे, विश्वकर्मा द्विवेदी, जितेंद्र राय और बहुत, अशोक पांडे, शिवप्रताप जी भी कुछ दिन, शिवप्रताप भी तो भाई वरिष्ठ नेता है, खैर उस समय छाप नेता थे, वो भी बंद थे, वो भी मिसा में बंद थे। तो अब बहुत से नेता थे जो इंटरमीडिएट कॉलेज के नेता थे, जो डिग्री कॉलेज के नेता थे, ये बहुत से लोग तो अपने परिवार जनों के अत्याचार के कारण विक्षिप्त हो गए थे, उनके परिवार पर अत्याचार भी। हाँ भाई, परिवार पर अत्याचार इसलिए होता था कि वो पूछते थे कहाँ है। जेल में भी आप लोगों के साथ अत्याचार? जेल में कोई अत्याचार नहीं, जेल में हमारा मौलिक अधिकार है, हम एक बी श्रेणी हम लोग को प्राप्त। लेकिन मौलिक अधिकार का तो हनन कांग्रेस सरकार ने किया उस समय। जैसे जो जेल है, जेल में एक हम वहाँ बंदी बन के गए थे, वहाँ नागरिक नहीं थे, और एक नागरिक को जेल के मैनुअल के अनुसार क्या मिलना चाहिए वो हम लोग को मिलता था, वो सब चीजें मिलती थी। हाँ, हमारे साथ शीतल पांडे जी थी, सहजनवा के पूर्व विधायक है, इमरजेंसी में गोरखपुर में 18 महीना जेल में रहे, माँ का चेहरा नहीं देख पाए कांग्रेस सरकार की इस यातना के चलते, जिनके माँ की निधन इनके जेल में रहते हुए हो गया था। उसके बाद राजनीतिक जीवन में आए और सहजनवा से विधायक बने, अभी निकल के यहाँ से कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में जो यातनाएं इन लोगों को द्वारा दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी आज 25 जून को काला दिवस मना रही है।